ये रिस्क में बरकत के लिए है। अगर आप तंगदस्ती का शिकार हैं और आप समझते हैं कि रिस्क में बरकत नहीं है, रुकावटें हैं, हर्डल्स हैं, ऑब्स्टिकल्स हैं, तो आप इंशाल्लाह ताला इस विर्द को पढ़ने की आदत बना लीजिए। इंशाल्लाह ताला अल्लाह जल्ला वाला इस विर्द की बरकत से आपके रिस्क में बरकत अता फरमाएगा, वो सातें और खुशहालियाँ अता फरमाएगा, आसानी अता फरमाएगा। एक मुजर्रब अमल है, मुजर्रब विर्द है। आज की इस नशिस्त में हम इंशाल्लाह तमाम हाजरीन को और अपने तमाम नाजरीन को इसकी इजाज़त देते हैं, हर रोज़ फजर की नमाज के बाद 100 मरतबा वल्लाहु खैरुर राज़िकीन, वल्लाहु खैरुर राज़िकीन। हर रोज़ नमाज फजर के बाद 100 मरतबा वल्लाहु खैरुर राज़िकीन आप ये पढ़ लिया करें, इसकी आदत बना लें, इंशाल्लाह इसकी बरकत से अल्लाह ताला रिज़्क में बरकतें और वसअतें अता फरमाएगा। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स इन इस्लाम, टुडे स्पेशल विश इज़ फॉर ब्लेसिंग्स इन रिज़्क। So if you feel that there are some obstacles, hurdles and difficulties in your risk, in your sustenance, so inshallah, if you were to recite this with daily, after Salatul Fajr, to recite, Wallahu khayru raziqin, Wallahu khayru raziqin, 100 times after Salatul Fajr, inshallah ta'ala, it will get rid of all the obstacles and difficulties. Wa akhiru da'wana, and alhamdulillahi rabbil alameen.